हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल एनजी में, जहां हम सैर करेंगे अलग अलग जगहों की। हमारी उज्जैन महाकालेश्वर की यात्रा के बाद हम उज्जैन से आगरा आए। उज्जैन से आगरा 587 किलोमीटर दूर है और जाने के लिए लगभग 10.5 घंटे लग जाते हैं। हम उज्जैन से गुना से होते हुए ग्वालियर और वहां से आगे आगरा गए। उज्जैन से आगरा जाने का रास्ता अच्छा है, पर रास्ते में बहुत कम पेट्रोल पंप्स हैं। यहाँ रास्ते में रेस्टोरेंट्स या चाय की दुकान भी नहीं है। हमें एक ही जगह ग्वालियर के नजदीक एक छोटी कुल्हड़ चाय की दुकान मिली। अगर आपको पुणे से आगरा की रोड ट्रिप के बारे में जानना है तो आप पुणे से इंदौर आ सकते हैं, इंदौर में हॉल्ट लेके फिर आगरा आ सकते हैं। मैंने अपनी पुणे से इंदौर की रोड ट्रिप का पूरी जानकारी देने वाला वीडियो पहले शेयर किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे देखा नहीं है तो जरूर देखें। और इंदौर से हम उज्जैन और उज्जैन से आगरा आए थे। आप उज्जैन न जाके इंदौर से आगरा आ सकते हैं। आगरा की इस सफर में मैं आपको ताजमहल और यहाँ एक दिन में क्या देख सकते हैं उसकी पूरी जानकारी दूंगी। आगरा में हमने सुबह जल्दी ताजमहल देखने जाने का प्लान बनाया। यहाँ धूप बहुत है, इसलिए हम दोपहर में होटल में ही वक्त बिताना चाहते थे। सुबह 7:30 बजे हम ताजमहल देखने पहुंच गए। ताजमहल सुबह 5:30 बजे से शाम को सूर्यास्त तक देखने के लिए खुला रहता है। ताजमहल शुक्रवार को बंद होता है। इसे देखने के लिए यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन टिकट लेना है। अगर ताजमहल अंदर से देखना है तो टिकट शुल्क प्रति व्यक्ति 245 रुपए है। सिर्फ बाहर से देखने के लिए शुल्क प्रति व्यक्ति 50 रुपए है। विदेशी पर्यटकों के लिए अलग शुल्क है। ताजमहल तक गोल्फ कार्ट से छोड़ा जाता है, उसका प्रति व्यक्ति 20 रुपए शुल्क है। गाइड आधे दिन के 1800 रुपए लेते हैं और पूरे दिन के 2500 रुपए लेते हैं। ताजमहल के अंदर जाने के लिए फुट कवर्स पहनने पड़ते हैं, उनका शुल्क 20 रुपए है। ये ताजमहल का बाहरी द्वार है, खूबसूरत लाल रंग का बड़ा सा एंट्री गेट जिस पे सफेद रंग और अलग अलग रंग के मार्बल से की गई नक्काशी, उसके बाहर उर्दू की लिखावट। इस द्वार से अंदर जाते ही सामने खूबसूरत बहुत बड़ा और ऊंचा ताजमहल दिखता है। आप सामने देखो तो ताजमहल के यहाँ खड़े लोग बहुत छोटे दिख रहे हैं। इससे पता चलता है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से ताजमहल कितनी दूर है और कितना बड़ा है। ताजमहल के बिल्कुल सामने यहाँ पर लोग अपनी फोटोज खिंचवाते हैं। यहाँ पर फोटोज खिंचवाने के लिए बेंचेस भी रखे हैं।
ताजमहल के दोनों बाजू घूमट दिख रहा है। जो दाहिनी ओर का घूमट है वहाँ कुछ नहीं है, पर जो बाएं ओर का घूमट है वहाँ दरगाह है। गाइड ने हमें इसके बारे में जानकारी दी। ताज महल, क्राउन पैलेस। टोटल हाइट ऑफ द ताजमहल 81 मीटर्स। वो पिनेकल आप देख रहे हैं व्हाइट डोम के ऊपर जो ब्रास का पिनेकल है, उसका हाइट अगर बताऊं तो ट्रस्ट करेंगे आप 30 फीट का है। क्या 30 फीट का? चार मीनार देख रहे हैं चारों कॉर्नर पर। गौर से देखें बिल्कुल सीधे नहीं है। हाँ, वो हल्के से बाहर की तरफ बैठे हुए हैं। ये प्री प्लानिंग की आर्किटेक्ट की, अगर फ्यूचर में कोई अर्थक्वेक होता है तो मेन बिल्डिंग को डैमेज नहीं करेंगे, बाहर गिर जाएंगे चार। ताजमहल के ठीक पीछे नदी है जिसका नाम है यमुना। ओके, ताजमहल का टोटल एरिया है 17 हेक्टेयर। ताजमहल के सामने फाउंटेन्स है और उसके दोनों तरफ एक कतार में लगाए हुए पेड़। खूबसूरत नजारा था। ताजमहल का परिसर बागीचों से सजाया है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। सफेद संगमरमर में बनवाया गया है। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में यह मकबरा बनाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए कुल मिलाकर लगभग 22 साल का समय लगा था। इसके निर्माण कार्य के दौरान लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारागिरों का योगदान था। अगर आपने मेरे चैनल ट्रैवल एंट्री को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है travelng2006, जरूर फॉलो करें। अकबर को ग्रेट मुगल बादशाह ही बोलते थे क्योंकि उसका इंटेंशन था सभी धर्मों को मिक्स करना। इमारत को आप देखने आए हैं, ये इमारत शाहजहां ने बनाई थी अपनी मुमताज बेगम की याद में। सिर्फ मरने से पहले उन्होंने तय किया था कि मेरे लिए 1612 में शाहजहां की शादी मुमताज बेगम के साथ होती है, आगरा के लिए में रहते थे। उस समय 19 ईयर्स की थी मुमताज, शाहजहां 21 का था। 18 ईयर्स टुगेदर ऑफ मैरिड लाइफ, जस्ट 18 साल दोनों ने एक साथ गुजारे शादी के। 18 साल बाद आफ्टर 18 ईयर्स ही डाई इन द एज ऑफ 35। मुमताज को पता लगा मेरा शौहर मेरे पास आ चुका है। मुमताज ने आँख खोली बड़ी मुश्किल से, उसको गले लगाया क्योंकि मरने वाले को कुछ पता लग जाता है या मेरा ही नहीं। उसने शाहजहां को गले लगाया और केवल उसके पास एक ही तोप थी, प्रॉमिस। प्रॉमिस में उसने बोला कि मेरे लिए खूबसूरत मकबरा बना दो जिससे मेरे इस मकबरे को, मेरे इस प्यार को दुनिया हमेशा याद रहे। उसने अपने 20,000 लोग बुलाए, ताजमहल को पॉइंट यहाँ बनाया क्योंकि बैक साइड में 2 किलोमीटर दूर आगरा किला है जहाँ शाहजहां रहते थे, तो शाहजहां अपने बेडरूम से इस ताजमहल का दीदार कर सकते थे। हमने हर तरफ से, चारों ओर से ताजमहल को देखा और कैमरा में कैप्चर किया। ताजमहल के अंदर जाने से पहले ये फुटकवर्स आपको पहनने होते हैं। ताजमहल के अंदर नीचे शाहजहां, जिन्होंने ये ताजमहल बनवाया, और मुमताज उनकी बेगम, इन दोनों के
कब्र है। दूर से सिर्फ सफेद फिर भी खूबसूरत दिखने वाला ताजमहल नजदीक से और भी खूबसूरत दिखता है और पता चलता है कि ये सिर्फ संगमरमर से नहीं बना है। ताजमहल के बाहर और अंदर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की है और इस पर हरे नीले पीले लाल रंगों के कीमती पत्थरों से मीनाकारी की है। गाइड ने बताया कि ये सारे पत्थर भारत के बाहर से अलग अलग जगहों से लाए गए हैं। इन सब बातों को जानकर पता चलता है कि ताजमहल कितना अनमोल है। ताजमहल के पीछे जमुना नदी है। ताजमहल के बिल्कुल सामने जमुना नदी के दूसरी तट पर मेहताब बाग है और ताज व्यू पॉइंट है। उसकी सैर हम हमारी आगरा टूर के अगले एपिसोड में करेंगे। ताजमहल के ऊपर लगे हुए ये जट जवाहरात सूरज की रोशनी में आज भी चमकते हैं। इस खूबसूरत यादगार को जी भर के देखने के लिए हमें लगभग 2-2.5 घंटे लगे। ताजमहल दुनिया के सबसे लुभावने वास्तुशिल्प आश्चर्यों में से एक। ताजमहल देखने का सही समय सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान होता है, जब सूर्य की सुनहरी रोशनी स्मारक पर एक जादुई चमक बिखेरती है। ताजमहल के बाहर ही सोवेनियर शॉप है, वहां से आप ताजमहल और अन्य कई चीजें ले सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे सारा स्टोन यूज किया हुआ है, ताजमहल के अंदर यूज किया हुआ है। देखेंगे अभी फुल एड्रेस कंप्लीट किया है, पाकिस्तान ये ग्रीन स्टोन है, मला गाइड साउथ अफ्रीका से है, ये मदर ऑफ पर्ल अपने इंडिया से है, ये ताजमहल का मेन स्टोन है। इसमें टॉर्च लाइट डालेंगे तो बीच में कौन सा स्टोन माय अंकल विद द हेल्प ऑफ दिस दे आर मेकिंग डिजाइन हाउ दे आर मेकिंग ही विल शो यू राइट हैंड दे आर लुकिंग ऑन द व्हील एंड देयर लेफ्ट हैंड शेप ऑफ द स्टोन मेक फ्लावर लाइक दिस So flower is complete, then we take the white marble, this is the chisel which is allowed the marble. Then after we take the glue, the natural glue like this. Then it's not fixed into the white marble. What is this? The glue. Okay. What is it made of? It's made of the natural things, children juice, rice, honey, candle bear, they are natural things. So inside you can come and you finish writing and I show this white marble in the light. Okay.
This is the coasters. Outside as a shoe, like a making part, this is the finished article. First of all, you can touch your feel and feel the craft. And so smooth and so beautiful. खाने में आगरा का पेठा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर्स के पेठा मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। पान पेठा मुझे ज्यादा पसंद आया। आगरे की इस सफर को जारी रखते हुए अगले वीडियो में आगरे की कुछ और जगहों की सैर करेंगे। धन्यवाद।